स्वागत है। टाइटल क्या है? द विनिंग ब्लूप्रिंट। द विनिंग ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट एक ढांचा होता है जो 10वीं में आपने अगर आर एस अग्रवाल की किताब सॉल्व की होगी, मैथमेटिक्स की, या कोई भी आप अच्छी किताबें सॉल्व करते हो तो उसके शुरुआत में एक ब्लूप्रिंट दिया होता है कि CBSE किस तरीके के सवाल पूछता है, आपको इसके तहत पढ़ाई करनी है। ठीक है, मान लो कि ये एक 10th में आपका चैप्टर था रियल नंबर, उसमें 15 लेक्चर देने हैं, तो ये एक ब्लूप्रिंट होता था। लेकिन 11th 12th में आते ही CBSE तो 11th 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए एक ब्लूप्रिंट देती है, लेकिन IIT वाले कोई ब्लूप्रिंट नहीं देते। तो जब कोई रूल सेट नहीं दिया जाता तो बच्चे फिर अपने अपने रूल बनाते हैं, और बच्चे ये भूल जाते हैं कि वो अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए हैं IITs में, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से रूल बनाते हैं पढ़ने के या कैसे IITs में जाना है उसके, मानो उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और उनकी गलती नहीं है, गलती है उसके मास्टर की जिसने उसे ब्लूप्रिंट दिया नहीं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि सारे मास्टर्स को पता होता है कि बच्चे क्या क्या गलतियां जनरली करते हैं तैयारी के दौरान, और किस तरीके से वो पढ़ाई करें जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस में चले जाएं सफल होने के। यानी कि एक बच्चे का जो सिलेक्ट होने का चांस है वो बहुत हद तक मास्टर पर डिपेंड करता है कि वो मास्टर उसे क्या राह दिखला रहा है। आज का ये जो लेक्चर मैंने लिया है वो एक लंबी तैयारी का नक्शा होने वाला है कि वो देखो IIT जो तुम्हें एक साल की तैयारी के बाद या दो साल की तैयारी के बाद मिलेंगे उसका नक्शा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैप, कि इस तरीके से तुम्हें पढ़ाई करनी है। वैसे तो वो वाली स्ट्रेटेजी मैं बताने में बिलीव नहीं करता कि इतने लेक्चर करने हैं, इतने सवाल करने हैं, सब चैप्टर में कर लो। वो यूनिडाइमेंशनल स्ट्रेटेजी काम नहीं आती, वो चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर चैप्टर की अलग फ्लेवर होती है। इलेक्ट्रोस्टैट की अलग, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तुम्हें तो इलेक्ट्रोस्टैट की अलग फ्लेवर है, खट्टी सी। काइनेमेटिक्स बच्चों को मीठी मीठी लगती है, मैकेनिक्स वाला जो चैप्टर काइनेमेटिक्स है पूरा का पूरा मैकेनिक्स ही बच्चे को मीठा मीठा लगता है, तो बच्चे मैकेनिक्स में ही लगे रहते हैं। तो मैकेनिक्स में 500 सवाल दे दो बच्चे खुशी खुशी कर लेंगे, और जहां करंट इलेक्ट्रिसिटी में 500 दिया या थर्मोडायनेमिक्स में 500 दिया बच्चे फ्लैट। तो वो तो मैं पढ़ाने के दौरान तुम्हें बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने सवाल करने हैं, किस तरीके से करने हैं और किस लेवल के करने हैं। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि इन जनरल है, जो दो साल की यात्रा में तुम्हें काम आएगी या एक साल की यात्रा में तुम्हें काम आएगी, या जितने भी समय तुम्हारे पास बचे हैं उसमें अगर आज से तुम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो तो तुम्हारी काम आने वाली है। तुम में से मैक्सिमम चांसेस ये हो सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत जगह ट्राई करके हार के आए होंगे कि अब स्नेहित सर आप संभालो, और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। एक एक करके बात चालू करते हैं। विनिंग ब्लू प्रिंट, अपनी कॉपी ले करके बैठ जाओ, एक वाइट A4 सीट लेके बैठना मेनली, क्योंकि इसको अगर तुम नोट करते हो और अपने दीवार पे चिपका लेते हो तुम जैसे जैसे गलतियां करोगे ना ये तुमसे चीख चीख के कहेगा कि बेटा मास्टर ने बताया था कि ये वाली गलती मत करना, और तुम फिर कर रहे हो। तो एक सामने याददाश्त के तौर पर ये तुम लगा लेना, तो विनिंग ब्लू प्रिंट, और थोड़ी मोटी A4 साइज वाली जो पेपर आती है फोटो कॉपी वाली वो, ताकि वो समय के साथ जो इंक है वो फैले ना, है ना, नॉर्मल कागज़ पे इंक फैल जाती है। चलिए विनिंग ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। सबसे जो पहला हम पॉइंट कवर करने वाले हैं वो है कि इस तैयारी के दौरान आप परफेक्शन की उम्मीद गलती से भी नहीं कर लेना। आपको इस तैयारी के दौरान परफेक्शन कभी हासिल नहीं होगी, और उसी इम्परफेक्शन के साथ आपको आगे बढ़ता रहना होगा। अगर आपने परफेक्शन की तलाश कर ली, तो मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, आप यूनिट एंड डायमेंशन जो आपका पहला चैप्टर, उससे आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपके कोई सीनियर भैया है या आपने 11th 12th में तैयारी कर ली और आप ड्रॉपर हो, नए बच्चे हो, अगर आप 10वीं पास करके आए हो तब टेंशन मत लेना, भगवान का धन्य मनाओ कि तुम्हें शुरू में ही सही मास्टर मिल गया। लेकिन वो बच्चे जो ड्रॉपर हैं या वो बच्चे जो अनसक्सेसफुल कहना सही नहीं होगा, जो IIT में नहीं जा पाए, वो अपनी पुराने दिन याद करो। तुमने परफेक्शन के तलाश में यूनिट एंड डायमेंशन कितने बार शुरू करा है? यूनिट एंड डायमेंशन एक बार पढ़ो, उसके बाद 4 महीने बाद फिर तुम्हें लगे कि यार इसमें ये चीज़ें कुछ कमी रह गई, फिर से पढ़ते हैं, शायद मुझे चैप्टर नहीं आता। और परफेक्शन के चक्कर में लूप होल में फंसते फंसते आप पहले चैप्टर से ही आगे नहीं बढ़ पाते, ज़्यादा से ज़्यादा काइनेमेटिक्स तक पहुँच जाते हैं बच्चे। तो आपको परफेक्शन कभी मिलेगा ही नहीं,
और ये एग्जाम परफेक्शन मांगता भी नहीं है। ये आपको सबसे अच्छा होने को नहीं कहता, ये आपको कहता है बस बाकी सबसे अच्छे हो जाओ। बाकी सब भोंदू हैं तो तुम थोड़े से भोंदू से ज़्यादा अच्छे हो जाओ यार, है ना। तो ये एग्ज़ाम की फितरत ही है, ये परफेक्ट बच्चे खोज ही नहीं रहा, ये तो बस बेटर देन अदर्स खोज रहा है। बेस्ट, बेस्ट को लेके क्या करेगा ये, और जो बेटर देन अदर्स है वो बेस्ट ही है इस कंट्री के लिए। भले फिजिक्स में बेस्ट ना हो बट अंधों में काना राजा है, और अंधों में अगर कोई काना है तो उसे सेलेक्ट कर लेगा आईआईटी। तो तुम्हें परफेक्शन के पीछे भागना ही नहीं है, क्योंकि परफेक्शन इज़ ए मिथ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हें किस किस चीज़ में परफेक्शन में नहीं भागना है। अगर तुम असली आईआईटीज की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें जो लेक्चर है ना बच्चा, जो मास्टर लेक्चर देता है, वो कभी कंप्लीट समझ नहीं आएगा। लेक्चर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, लेक्चर्स अंग्रेजी भी सही लिख मास्टर, लेक्चर्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं हो पाती अगर असली आईआईटीज के लिए पढ़ा रहा है। क्योंकि एडवांस का जो लेवल है उस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी टच करनी होती है जो बच्चों को एब्सर्ड लगती है, इमेजिनेशन में नहीं आ पाती, तो वो तुम्हें लेक्चर के दौरान समझ नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मास्टर हो सकता है तुम्हें समझाना भी ना आता हो, हाँ मे बी मुझे समझाना नहीं आता होगा, लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे समझाना नहीं आता तो मैं शायद उस टॉपिक को स्किप कर सकता हूँ कि यार मेरी इमेज खराब हो जाएगी बच्चों में, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों ना पढ़ाऊँ जो मुझे समझाना आता है और जो मुझे पता है कि बच्चे को समझ आ जाएगी। इससे बच्चे भी आकर्षित रहेंगे और उन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि उनके लिए क्या स्किप कर दिया गया टॉपिक। लेकिन ये बच्चे मुझे आईआईटी जे एडवांस के दिन बहुत भर भर के गालियाँ देंगे कि मास्टर तूने पढ़ाया कुछ आया भी नहीं, और शायद गाली ना दो ऑनलाइन में पढ़ने की वजह से। रीज़न पता है इसका क्या है, क्योंकि ये जो फेल होने की उंगली है ना, ये एजुकेशन सिस्टम ने बच्चे की तरफ कर दिया कि बच्चा फेल हुए तो ब्लेम तुम्हारा। हाँ भले ही तुम सक्सेसफुल हुए तो तुम्हारे पोस्टर्स बड़े बड़े छाप दूंगा मैं, और ऐसे छापूंगा जैसे लगेगा कि ये बच्चा अगर मैं नहीं होता तो सिलेक्ट नहीं होता, लेकिन फेल्ड कैंडिडेट की कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। प्रेमचंद की एक उपन्यास में मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि सफलता के हजारों बाप होते हैं, विफलता अनाथ होती है, विफलता का कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन अगर सही मायने में देखो तो उस दिन तुम गालियां मुझे ही दोगे अगर मैंने सिर्फ तुम्हें वो टॉपिक समझाए जो मुझे पता है कि तुम्हें समझ आएगी, लेकिन मैं वैसा कभी नहीं करूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर असली आईआईटी की तैयारी, फर्जी नहीं, फर्जी किसे कहते हैं, जो वही टॉपिक तुम्हें पढ़ाए जो तुम्हें समझ आ जाएगी, तो अगर तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ रही है ना तो समझ जाना कि फर्जी तैयारी हो रही है। लेक्चर का 70-80% हिस्सा आपको समझ में आ जाएगा, बाकी 20% के लिए आपको स्ट्रगल करना होगा, आपको पेन चलाना होगा, आपको अलग अलग रिसोर्सेस पकड़ने होंगे, और सिंगल शब्द में कहूं तो आपको उस पे ना समझ आते हुए भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। ये तरीका होगा। लेकिन परफेक्शन के पीछे भागोगे तो जो 20% नहीं समझ आया, फिर उसके लिए तुम क्या करोगे, दूसरा यूट्यूब लेक्चर ढूंढोगे, दूसरा टीचर ढूंढोगे, और फिर उससे शुरू से पढ़ोगे, और फिर उसके लेक्चर में अगर वो सही आईआईटी की तैयारी करा रहा है तो फिर उसके लेक्चर में 70-80% आएंगे, फिर 20% समझ नहीं आएगा तुम्हें, और फिर किसी और टीचर के पास जाओगे। और सबसे बुरा पता है क्या होगा, तुम्हें एक ऐसा टीचर मिल जाएगा जिसका तुम्हें 100% लेक्चर समझ आ जाएगा, और इस दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारा आईआईटी का सपना यहीं पर क्लोज होता है। बैग पैक करो और सो जाओ आराम से, क्योंकि इसने तुम्हें पढ़ाया ही वो चीज़ जो 70-80% थे, जो समझ आने वाले थे, एक्सपेक्टेड थे। और मैं ऐसे हजारों चीज़ों को देख रहा हूँ, यूट्यूब ऐसे ही चलता है बच्चा, तो वो चीज़ें ही तुम्हें पढ़ाई जाएंगी जो 70-80% थी। जेई एडवांस के दिन जाओगे वो 70-80% में से कुछ सवाल नहीं आएगा, क्योंकि आईआईटी के पेपर सेटर्स को पता है कि कैसे सवाल सेट करने हैं, किस 20% में बच्चे फंस जाएंगे, उन्हें क्रीम चाहिए ना, तो उन्हें पता है कि किस 20% में बच्चे फंस जाएंगे। तो इसलिए लेक्चर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग का भरोसा ही मत रखना, 20% तुम्हें खुद से करने होंगे, ठीक है। अब 20% को तुम करोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हें समझने में शुरुआत में बहुत सारी गलतियां होंगी। तो नो परफेक्शन का एक और पॉइंट है, वो है कि आपसे सवाल परफेक्टली सॉल्व नहीं होंगे, यानी कि नो परफेक्ट सॉल्यूशन। आप जब सवाल अटेम्प्ट करोगे तो आपसे परफेक्टली सॉल्व नहीं होंगे सवाल, इसलिए कभी भी परफेक्ट सॉल्यूशन की तरफ नहीं भागना। यानी कि तुम 10 सवाल सॉल्व करोगे तो उसमें से हो सकता है तुमसे 9 गलत हो जाएं,
इसलिए मैं ना तुमसे कहता हूँ कि सही सवाल करना तुम्हारा टारगेट ही नहीं है, तुम्हारा टारगेट है सवाल करना, क्योंकि हर गलत सवाल के साथ तुम्हारी जो लर्निंग है वो और बढ़ेगी। इसे कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। लर्निंग का प्रोसेस ना, ये तुम हो, तुम्हारा ब्रेन है, ठीक है। ये लर्निंग का प्रोसेस ऐसे होता है, इस ट्रायंगल के फॉर्म में या इस कोन के फॉर्म में, ये तुम हो। बचपन में ABCD तुमने पढ़ा, सपोज यहाँ तक पढ़ा, ठीक है, गॉट इट। तो तुम्हें पता है कि लर्निंग स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, मतलब तुम इस सीढ़ी पे हो तो तुम अगली सीढ़ी तक ही देख सकते हो, फिर अगली सीढ़ी पे जाके तुम अगली सीढ़ी का देखोगे। तो तुम्हें ABCD यहाँ तक पता है ना बच्चा, तो तुम क्या सोच सकते हो कि तुम्हें यहाँ तक नॉलेज आता है और इसके बाहर का थोड़ा सा नहीं आता। लेकिन जब तुम थोड़ा और जानोगे तो तुम्हारी नॉलेज का स्तर ये होगा, गॉट इट। तुम्हारी नॉलेज का स्तर ये हो गया, अब नॉलेज का स्तर बढ़ा, लेकिन तुम्हें अब क्या पता चला कि तुम जो नहीं जानते हो वो इतना ही नहीं है, वो अब इतना है। तुम थोड़ा और पढ़ोगे, तुम्हारे नॉलेज का स्तर इतना बढ़ेगा, तुम इतनी चीज़ें जानते हो। लेकिन अब तुम्हें क्या दिखने लगेगा, जब तुम इस सीढ़ी पे हो तो तुम्हारी जो नेक्स्ट सीढ़ी है वो इतनी बड़ी दिखेगी। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें पता चलता जाएगा कि तुम्हें कितना ज़्यादा नहीं पता है। इसीलिए जो ज़्यादा ज्ञानी होते हैं ना उसमें कॉन्फिडेंस बहुत कम सो होता है, और जो छोटे छोटे ज्ञानी होते हैं उनको देख के लगता है कि इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। उनके कॉन्फिडेंस का रीज़न यह है कि उन्हें क्या नहीं पता है ये भी उन्हें नहीं पता है। ध्यान से सुनना, उन्हें क्या नहीं पता है ये भी उन्हें नहीं पता है। ये वाले बच्चे जो 100% तैयारी कर रहे हैं, 100% जिन्हें समझ आ रहा है, उन्हें ये पता ही नहीं कि उन्हें क्या नहीं पता है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ दिखाई ही नहीं गई। तो तुम घबराना नहीं, तुम हर गलत सवाल के साथ अपनी इग्नोरेंस की जो क्षेत्रफल है उसे बढ़ाते जाओगे, और IIT का सिलेक्शन तुम्हारे इग्नोर्ड कॉन्सेप्ट में ही लाई करता है। तुम जिन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो ना वहीं वहाँ फंसा लेता है IIT वाला बंदा। तो तुम सही सवाल करने के पीछे नहीं भागना, गलत गलत गलत। रोज के तुम ऊपर वाले से जाके तुम दुआ मांगो कि हे ऊपर वाले, अगर तू है तो मुझे रोज़ 100 गलत सवाल करने की ताकत दे, मैं 100 गलत कर पाऊँ। इसमें ताकत की ज़रूरत है सर, गलत करने में तो ऐसे ही कर दूंगा। नहीं बच्चा, गलत करने में ही ताकत की ज़रूरत है। सही करने के लिए तो बहुत मोटिवेशन आता है, एक सही हुआ, दूसरा सही हुआ, तीसरा सही हुआ, फ्लो में करते गए सही। गलत करने के लिए बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है। पहला गलत हुआ, दूसरा ट्राई करने का हिम्मत नहीं होता, दूसरा गलत हुआ, तीसरा ट्राई करने का हिम्मत नहीं होता। सोचो ऐसे 100 गलत होंगे, कितनी ताकत की ज़रूरत होगी। तो ऊपर वाले से मांगना कि तुम्हें 100 गलत सवाल करने की ताकत दे। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना, और परफेक्शनिज्म का दूसरा पॉइंट है कि परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होते, ठीक है, गॉट इट। आगे के टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है, ब्रेन मेमोरी वर्सेस मसल मेमोरी। ये सारी चीज़ें कंटिन्यूएशन में चल रही है, कंटिन्यू यहाँ पे हमने क्या किया है, सॉल्यूशन। तो सॉल्व कैसे करोगे अब? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, उसको पढ़ा और दिमाग में थॉट प्रोसेस चलाया, और दिमाग हमारा जो है ना वो लेजी है, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, तो हमें वो इल्यूजन क्रिएट करता है कि सवाल पढ़ते ही ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, आंसर आ जाएगा। जबकि आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1000 गलतियां थी। वही खेल है यही वाला, क्योंकि आप जब दिमाग में सोचोगे तो आप वही सोचोगे जो आपको आता है, तो जो आपकी इग्नोरेंस थी वो थॉट प्रोसेस में डिस्कवर नहीं होगी। सोच के ऐसे 10 × 20 करेंगे तो हमें पता है कि ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे कर देंगे। लेकिन जब आप लिखने लगोगे 10 × 20 तो आपको पता चलेगा कि 0 में 0 और 2 में 0 से और 2 में 1 से 200 होता है, तो यहाँ पे एक जगह छोड़ना होता है। अब मान लो कोई बच्चा है जिसे ये इग्नोरेंस पता नहीं, कि उसे तो ये पता ही नहीं है, उसे तो ये पता है कि 4 × 2 = 8, 1 digit का कॉन्सेप्ट पता है, इसने 2 digit पर भी वही दिमाग में इमेजिन कर लिया, अच्छा ऐसे ही तो मल्टीप्लाई होता है, मुझे तो मल्टीप्लीकेशन आता ही है। तो वो कभी एग्जाम में अगर ये वाला कॉन्सेप्ट उसे सवाल पूछा गया तो वो नहीं कर पाएगा, तो उसे लिखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ब्रेन मेमोरी को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, ऐसा बिल्कुल मत मान लेना। लोगों को लगता है मेरे दिमाग में चीज़ें आ गई तो मैं एग्जाम में सेलेक्ट हो जाऊँगा। तुम में से बहुत सारे होंगे जिनको लगता होगा कि मैंने पढ़ाई तो सारी की थी बट एग्ज़ाम में हाथ क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि आपने ब्रेन मेमोरी पर काम किया, मसल मेमोरी पर काम नहीं किया। जबकि मैं कहता हूँ ना कि कोई बच्चा जो है वो सिर्फ मसल मेमोरी पर चल रहा है ना, ब्रेन मेमोरी पर चल भी नहीं रहा, तो उसके जनरली चांसेस है कि वो मेंस तक क्वालिफाई कर जाए, एडवांस में लटक सकता है, मेंस तक क्वालिफाई कर जाए। लेकिन जो बच्चा सिर्फ ब्रेन मेमोरी पर चल रहा है वो मेंस भी क्वालिफाई नहीं करेगा। आप में से बहुत बच्चे होंगे जो सोचते होंगे बहुत अच्छा सोचा होगा, पढ़ा होगा बहुत अच्छा, लेकिन एग्जाम में हाथ ही नहीं चलता। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया मसल मेमोरी की भी, तो एग्जाम में आप क्वेश्चन देखोगे और आप ऐसे आँख बंद करके और ऐसे हाथ चलेगा तो डायरेक्ट आंसर तक जाओगे।
क्योंकि हाथ को आपके याद है सॉल्यूशन। तो मैं यही कहता हूँ, तुम्हारे दिमाग को नहीं, तुम्हारे हाथ को याद होना चाहिए सॉल्यूशन। इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो। हाँ, लेकिन मसल मेमोरी को फिर सुपीरियर मत मान लेना, ब्रेन मेमोरी को ग्रांटेड मत ले लेना। मैं कह रहा हूँ ब्रेन मेमोरी के साथ मसल मेमोरी करनी है तुम्हें, ठीक है? तो यूज टुगेदर। गॉट इट? इन दोनों को आपको साथ में इस्तेमाल करना है। लिखना है, लिखना है, राइट 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 लिखना है। क्या करना है? राइट। मसल मेमोरी को डेवलप करने का सिर्फ एक तरीका है, लिखो 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 लिखो। न्यूज़पेपर पे लिख दो, कहीं पे लिख। फॉर्मल परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागना कि सुंदर से लिखना है, नहीं, लिख दो लिख दो लिख दो। प्रैक्टिस करो, रोहित शर्मा इमेजिन करो, खुद को धोनी इमेजिन करो। शॉट की प्रैक्टिस किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है। कमरा बंद करो, अपने पीछे धोनी की थीम म्यूजिक इमेजिन करो और प्रैक्टिस करो। एक बॉल आया क्वेश्चन का, टक। एक बॉल आया क्वेश्चन का, टक। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मसल मेमोरी डेवलप, मसल मेमोरी डेवलप। धोनी अगर सोच के शॉट मारे कि अच्छा ये बॉल आ रही है, इतने में ऐसे मारूंगा तो ऐसे होगा ऐसे, तब तक बॉल नहीं पार हो जाए। उसके मसल रिफ्लेक्सेस में ज्यादातर शॉट्स होते हैं कि यॉर्कर आया, मैंने ऐसा घुमाया, हेलीकॉप्टर शॉट गया। सोचने का उतना टाइम नहीं होता। वैसे ही आईटीजेई एडवांस के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में आपको ऐसा ही होगा, टक 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 सवाल आएंगे, आपको रिफ्लेक्सेस से काम लेना होगा। आप ब्रेन मेमोरी पर डिपेंडेंट रहोगे, दो सवाल अटेम्प्ट करके आओगे। एक एक सवाल के लिए बच्चे मरते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं बच्चा जो जेई के एग्जाम। तुम्हें अभी लगता होगा कि यार 25 में से 20 तो कर ही लूंगा, 25 में से एक एक सवाल करने को तरस जाते हैं बच्चे। राइट राइट राइट, ये बात अभी समझ जाओ अच्छी है, नहीं तो एग्जाम देने के बाद समझ आ जाती है 100% बच्चे को कि हाँ ये सही बात थी। अब राइटिंग की मैंने बात कर ली, लिखो लिखो लिखो। तो तीसरा पॉइंट आता है राइटिंग में, क्या क्या लिख दें, कुछ भी लिख दें। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि किताब उसकी इतनी मोटी है टॉपिक की, उन्हें नोट्स इतना मोटा बना लिया, तो क्या लिखें? सबसे पहली चीज़ है आपको नोट्स लिखने हैं, ठीक है? मार्कर मेरा ख़त्म है तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आवाज़ दे, वो गौर करना, ठीक है? नोट्स लिखने हैं, गॉट इट? नोट्स कौन से लिखने हैं? नोट्स आपको जो क्लास में टीचर पढ़ाएगा वो लिखना है। नोट्स भी आपके कभी परफेक्ट नहीं बनेंगे। और एक परफेक्शनिज्म क्राइसिस के नाम से तुम्हें एक बात बताता हूँ, परफेक्ट ये सिर्फ नोट्स में काम करता है। वो क्या होता है कि बच्चा एक बार नोट्स बनाता है, उसे दूसरे दिन लगता है कि ये परफेक्ट नोट्स नहीं है क्योंकि और इसमें पॉइंट्स ऐड होंगे, तो वो क्या करता है, नई कॉपी खरीदता है और जीरो से फिर से उसी चैप्टर के नोट्स बनाता है, फिर से उसी चैप्टर के नोट्स बनाता है। आपको पता है कि वो नोट्स कभी परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, उसमें ऐड होते रहेंगे, पॉइंट्स होते रहेंगे। तो आप एक बार नोट्स बनाया आपने क्लास में जो पढ़ाई की, उसके बाद आपने उसमें थोड़ी जगह खाली छोड़ दी ताकि फ्यूचर में पॉइंट्स ऐड कर पाओ, गॉट इट? और आपको हमेशा कंफर्टेबल रहना है इस बात के साथ कि आपके नोट्स परफेक्ट नहीं है। इस लाइन को हमेशा दिमाग में याद रखना है कि आईआईटी का एग्जाम बेस्ट को ढूंढ ही नहीं रहा, वो जस्ट बेटर देन अदर्स ढूंढ रहा है। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसका नोट्स इतना बड़ा है लेकिन ना तो वो नोट्स उसके मसल मेमोरी में है ना ब्रेन मेमोरी में है, तो वो तो वर्स्ट हो गया ना, क्योंकि एग्जाम देने आपका ब्रेन और मसल जाएगा ना कि कॉपी जाएगा। तो कोशिश करो कि तुम्हारे नोट्स में जितनी चीज़ें लिखी हैं वो तुम्हारे ब्रेन और मसल में इम्प्रिंट हो जाए, उसके बाद कुछ उसमें ऐड करने की बातें तो करो। क्योंकि मसल और ब्रेन के साथ, सॉरी ये ब्रेन है, हाँ सॉरी ब्रेन और मसल के साथ आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप वहाँ कुछ लिख पाओगे, नोट्स में सिर्फ लिखे रह गए। तो नोट्स में जब आप पॉइंट ऐड करते जाओगे तो आप काहे का यूज कर पाओगे, फिर नोट्स घर पर रह जाएगा। फिर 2-3 साल बाद जब सिलेक्ट ना होने के बाद कुछ याद करोगे तो कॉपी पलटोगे, अच्छा ये भी मैंने पढ़ी थी, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, कैसे आएगा? ना तो मसल में आपने डाली ना ब्रेन में डाली। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है, आइंस्टीन ने कोटेशन कहा था कि इमेजिनेशन इज द सुपर पावर ऑफ ह्यूमन बींग, कल्पना मनुष्य की एक सुपर पावर है। तो इसका गलत इंटरप्रिटेशन करके बच्चों ने सिर्फ इमेजिनेशन करना चालू कर दिया। तो फिर एक फिनमैन साइंटिस्ट आता है, वो एक बड़ी छोटी सी लाइन बोलता है लेकिन पॉपुलर हो जाता है, वो कहता है शट अप एंड कैलकुलेट, चुपचाप बैठो, कल्पना छोड़ो, कैलकुलेट करो। कैसे? कल्पना में तो मैं कुत्ते की पूंछ उठा के मंगल ग्रह के ऊपर नचा दूंगा, कल्पना का ही तो नतीजा है ना कि धरती को कछुए पे इमेजिन किया गया, वो भी विज्ञान के बढ़ने में एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। क्योंकि जब तक आप गलत नहीं सोचोगे आपको सही क्या है वो पता नहीं चलेगा, आपकी इग्नोरेंस वाली चीज़ें नहीं खुलेंगी। लेकिन जब आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो सेटअप एंड कैलकुलेट, कैलकुलेशन के दौरान ही आपकी इमेजिनेशन सही डायरेक्शन में जाएगी। कल्पना तो हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन कल्पना का डायरेक्शन सही होगा तभी वो सही चीज़ मिलेगी। तो सेटअप एंड कैलकुलेट, नोट्स परफेक्शन कभी नहीं मिलेंगे, उसके साथ कंफर्टेबल रहना, बी कंफर्टेबल। एक लाइन अपने दिमाग में यहाँ पे लिख लो, ऐसे टैटू करवा लो यहाँ पे कि आईआईटीज डोंट सिलेक्ट बेस्ट,
दे आर जस्ट वॉन्टिंग बेटर देन अदर्स, ये लिख लो, ठीक है। तो नोट्स लिखने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, क्यूपी क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करते हैं बच्चे, गलत उसमें वो ध्यान देना। एक क्वेश्चन लिया, वो जब तक सॉल्व नहीं होगा उसमें लगे रहेंगे, एक बार गलत हुआ, दोबारा गलत हुआ, तीसरा गलत हुआ, या तो छोड़ देंगे क्योंकि तीसरे बार से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की हिम्मत नहीं होती, और अगर लगे भी रहेंगे तो उसी सवाल में लगे रहेंगे। नहीं, तुम जहाँ से भी प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन बैंक है तुम्हारे पास, एच सी वर्मा सर का बुक है या कोचिंग के मटेरियल है, उसके 20 सवाल सेलेक्ट करो, उस 20 सवाल के लिए टाइम लगा लो, 40 मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट में तुम्हें वो 20 के 20 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, यह स्ट्रैटेजी तुम्हारी होगी। पहला गलत हुआ तुम्हें दिमाग में तुरंत जंप करना कि अगर मैं पहले में ही लगा रहा तो बाकी 19 छूटेंगे। सही सवाल, सही सॉल्यूशन के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 60 मिनट में 20 सवाल अटेम्प्ट हुए रहने चाहिए, ताकि अगर सही सॉल्यूशन ना मिले तो सही इग्नोरेंस वाली चीज़ मिल जाए कि क्या क्या तुम्हें नहीं पता था। तुम्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि 20 सवाल तुमने 60 मिनट में अटेम्प्ट किए, उसमें से तुम्हारे 4 सही हुए, 16 बच गए। अब 16 तुम तुरंत अटेम्प्ट नहीं करोगे, है ना, 16 को तुम छोड़ दो, 2 घंटे के बाद अटेम्प्ट करोगे। इससे क्या होता है कि आप बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। तो जैसे बचपन में ना हम बोर्ड मास एक पढ़ते थे, ब्रैकेट ब्रैकेट वाला, याद है? तो उसमें क्या होता था कि बार बार हम एक ब्रैकेट को कुछ गलत जगह लगाते थे और तुरंत रीट्राई करते थे ना, तो फिर से जो उसमें गलती की है वो गलती दोबारा हमारे कॉन्सियस में ऐसा हो जाता है कि हम वही गलती कर रहे हैं और हम फिर से वही चले जा रहे हैं। थोड़ा टाइम दो ब्रेन को, तो ब्रेन रीवायर होगा, वो पुरानी चीज़ें भूलेगा, तो फिर से जब आप करोगे तो वो गलती पे अपने आप हाथ रुक जाएगी, अच्छा ये सिली मिस्टेक थी। इससे सिली मिस्टेक फिल्टर होते हैं, क्योंकि आपको सिली मिस्टेक बहुत आसान होता है सुधारना, आपको शुरुआत में ध्यान देना कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक सुधारने पे। तो 2 घंटे बाद ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिली मिस्टेक की वजह से 4-5 सवाल सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो 2 घंटे बाद ट्राई करने पे आपके 10 सवाल सॉल्व हो गए, ठीक है। फिर 2 घंटे बाद ट्राई करा तो मान लो खींच के एकदम 12 सवाल सॉल्व हो गए, 8 अभी भी बचे रहे। अब आप 8 में सोचो कि क्या आपके कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थे, आपको कौन से कॉन्सेप्ट नहीं पता थे, सॉल्यूशन नहीं देखना है, आंसर नहीं देखना है अभी तक। फिर उससे नोट्स से रेफर करो कि नोट्स में क्या वो कॉन्सेप्ट हैं जो इस सवाल में लगेंगे, अगर हैं, अगर अच्छे मास्टर से पढ़ रहे हो तो मिल ही जाएंगे, तो फिर वहां से कॉन्सेप्ट सीखो और फिर सवाल बनाओ, सॉल्यूशन नहीं देखना अभी, सवाल लगाओ। तुम्हारे 16 सवाल हो जाएंगे, 4 सवाल के लिए आप सॉल्यूशन देखो और उस सॉल्यूशन में फिर आप एनालाइज करो कि क्या कमी रह गई। इस प्रोसेस को फॉलो करिए, बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, हर बच्चा ऑटो पायलट पे चलना चाहता है और ऑटो पायलट इंजीनियर्स IIT से नहीं बनते, वो लोकल कॉलेज से बनता है, श्री चुन्नूलाल इंजीनियरिंग कॉलेज से, ठीक है। लेकिन आपको IIT से करना है तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, और अगर अच्छे मास्टर हैं तो आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस होमवर्क के फॉर्म में देंगे। एक बुरे मास्टर और एक अच्छे मास्टर में फर्क ये होता है कि बुरा मास्टर एक ही बार सीट पकड़ा देता है कि ले सॉल्व कर, बच्चा कभी सॉल्व नहीं कर पाता। एक अच्छा मास्टर होता है जो चंक्स में एक लेक्चर पढ़ाया, 10 सवाल होमवर्क दिया, अगर 20 लेक्चर लिए तो 200 सवाल मास्टर ने होमवर्क होमवर्क में सॉल्व करा लिए, और बच्चे को अगर 100 सवाल का भी DPP या सीट एक ही बार में दे दोगे ना तो वो बच्चा सॉल्व ही नहीं करेगा। तो छोटा छोटा खिलाना चाहिए टुकड़ा बच्चे को। तो अगर मास्टर होमवर्क देता है तो उस होमवर्क को घड़ी में से टाइमर सेट करो और उससे सॉल्व करना है, गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं, तो प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी मैंने यहाँ बता दी। तो प्रैक्टिस अगला टॉपिक था, इसका हाउ मैंने डिस्कस कर दिया, क्या करना है, कौन सी चीज़ प्रैक्टिस करनी है, अच्छे सवाल प्रैक्टिस करनी है। कौन सी सवाल प्रैक्टिस करनी है बच्चा, अच्छे सवाल प्रैक्टिस करनी है। मास्टर अच्छे सवाल का पहचान, अच्छा सवाल टफ नहीं होता। एक बहुत अच्छा मैं वर्ड देखा है मैंने, उसको कहते हैं डिफिकल्ट वर्सेस डिफरेंट। IIT का जो एग्ज़ाम है बच्चा वो डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, उसकी टेम्परामेंट डिफरेंट है। तो जनरली जो आम बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं सेलेक्ट होना होता, वो टफ क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन पे इम्प्रेस होते हैं कि मेरे मास्टर ने इतना 10 किलोमीटर का हमारा मास्टर सवाल कराई रहे, 10 किलोमीटर लंबा सवाल करा दिया, बच्चा खुश कि IIT में तो टफ ही पूछेगा ना। नहीं, IIT में खेल है ये 20% का। डिफरेंट 100 डिफिकल्ट सवाल ट्राई करने से बेटर है 10 डिफरेंट सवाल ट्राई कर लो। और डिफरेंट का मतलब अलग अलग नहीं कि एक प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का प्रैक्टिस करा, एक वेज टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का प्रेस प्रैक्टिस करा, एक हाइट टू ग्राउंड, एक ग्राउंड टू हाइट, 4 डिफरेंट सवाल मैंने प्रैक्टिस किए।
ये तो केसेस हो गए, डिफरेंट केसेस के तुमने सवाल प्रैक्टिस कर लिए। ऐसे सवालों को अच्छा सवाल कहा जाता है जो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दे, कॉन्सेप्चुअली, ना कि फॉर्मुलेटिकली। ये फॉर्मुलेटिकली और कॉन्सेप्चुअली क्या है सर? ऐसे एक सवाल ऐसा होता है जिसमें तुम्हें ये याद करना पड़ता है कि यार इसका फार्मूला क्या था। ये फार्मूला याद होता तो ये सवाल बन जाता, अगर वो फार्मूला याद भी होता सवाल बन भी जाता तब भी ज़्यादा तुम्हारा नुकसान होता, क्योंकि सूडो कॉन्फिडेंस में चले जाते कि यार सवाल तो बन ही रहा है। एग्ज़ाम में वैसे सवाल ही नहीं आता जिसमें तुम जज कर पाओगे कि ये वाला फार्मूला लगेगा। डिफरेंट का मतलब ये होता है कि सवाल पढ़ के तुम्हें पता ही ना चले कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, थोड़े देर सोचने पे पता चले अच्छा ये तो इस चैप्टर से है, चैप्टर ही ना पता चले। हाँ, तुम चैप्टर के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि इस चैप्टर को मास्टर ने पढ़ाया है तो ये सवाल आएगा, लेकिन तुम इस इमेजिनेशन में जाना कि क्या ये चैप्टर मैं अगर नहीं पढ़ रहा होता, मैंने 10 महीने पहले पढ़ी होती तो रैंडमली अगर ये सवाल आता तो क्या मैं सोच पाता कि इस चैप्टर का है। अगर आसानी से सोच पाते हो तो तुम्हें वो प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अगर थोड़ा टाइम लग रहा है चैप्टर ही पता करने में तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। जे एडवांस के लिए मैं बता रहा हूँ, जेई मेंस में तो सीधे सीधे सवाल आ भी जाते हैं, जेई मेंस की कोई प्रैक्टिस नहीं होती, जेई मेंस के लेवल का प्रैक्टिस मास्टर क्लास के दौरान ही करता है, ठीक है। मास्टर को मत बोलना कि मास्टर आप तो कभी कभी आसान सवाल भी प्रैक्टिस कराते हो, मास्टर को सिखाना है तुम्हें, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं कूलम्स लॉ मान लो पढ़ाऊंगा, ठीक है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा, तो एक सवाल पहला जो दूंगा वो ऐसा होगा कि तुम्हें फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन याद करवा दे, अप्लाई करके कॉन्फिडेंस बढ़ा दे। तो ये मत कहना कि सर फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन सवाल आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, सीखने की एक प्रोसेस है, तो मैं वो आसान सवाल करा सकता हूं, तुम प्रैक्टिस के नाम पर वो नहीं करोगे, ठीक है, गॉट इट। तो ये हो गए प्रैक्टिस व्हाट एंड वाउ हाउ, हाउ तो मैंने यहीं पे बता दिया। इन सारी बातों का नोट्स बना लेना, तुम चिपका लेना दीवार पे और तैयारी मेरे साथ बहुत अच्छे से शुरू करना। मैंने क्या कहा है तुम्हें, तुम किसी के भी लेक्चर देख लो और एक मेरे लेक्चर देख लो, ठीक है, तुम्हें फ़र्क पता चल जाएगा कि फिजिक्स पढ़ते कैसे हैं। जो तुम्हें भारी सा लगता था, बोर्डम सा, वो मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें दिमाग में इम्प्रिंट कर दूँ, लिख दूँ, इंट्यूशन में डाल दूँ, ताकि तुम्हें लगे कि दुनिया ऐसी ही होती है जैसी फिजिक्स है ना। तो बस मेरा वही मोटो है, 3 शब्द पे मेरी पढ़ाई चलती है, सरस, मतलब कि बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, भारी नहीं लगनी चाहिए, यार दुनिया के रहस्यों की बात कर रहे हैं, तो सरस पढ़ाई होनी चाहिए, सरल पढ़ाई होनी चाहिए। बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को बड़े बड़े वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज बता बता के किताब वालों ने और मास्टरों ने इतना टफ कर दिया कि बच्चा भाग जाता है। क्या थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, एन्थैल्पी, मैं ये क्या है, सरल और स्पष्ट कि सर सीधा सीधा बात बोलो, इतना घुमाओ मत बात को, सीधा सीधा बोलो कि मुझे 70% ही समझ में आएंगे। आप ये उम्मीद ही मत दो कि 100% आएंगे, मैं दे ही नहीं रहा। और अगर असली पढ़ाई कर रहे हो और मास्टर अगर जे एडवांस का ऑल इंडिया रैंक 1 और 50 में चला गया तो तुम्हें 50% लेक्चर समझ आएंगे, 50% तुम्हें अपने से करना होगा, ठीक है। और वो मैंने बताया, अलग अलग सोर्सेज पढ़ो, राइटिंग वाइटिंग करो, सब कुछ करो, है ना। कौन सी किताबें बेस्ट होती हैं IIT जेई मेंस और एडवांस के लिए, ये मैं अगला लेक्चर ले लूँगा, ठीक है। और किताबों में क्या मिथ होते हैं किताबों से रिलेटेड, देख रहे हो मैं IITs की फॉर्मल पढ़ाई शुरू करने से पहले 2-3 लेक्चर ऐसे ही ले रहा हूँ ताकि तुम सही पहले फोकस पे आ जाओ। ये जो बाहर से कचड़ा लेकर आए हो ना, वो कचड़ा पहले साफ़ करना पड़ेगा, फिर ऐसे ज़मीन साफ़ करके फिर एक एक प्लांट में लगाऊंगा, सुंदर सा बाग जो IITs में जाएंगे। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।